स्टार्ट। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थ्री टाइप्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है और इसको जो तीन प्रकार हैं, है ना, जो उसके टाइप्स हैं तीन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि वो क्या होता है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो एक तरह की ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जहां पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए या कितना हो सकता है। डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होगी, प्राइस आप उससे ज्यादा ही रखोगे ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। लेकिन कई बार एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी है एक तरीके का, कि जब भी हम प्राइस रखेंगे तो क्या सोच करके आपको अपने दिमाग में रखना है ना, कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। कई बार हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्राइसेस जो है ट्रिपल और फोर टाइम्स प्राइस रख देते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस रखते हैं, लेकिन उस केस में जब आप डिस्काउंट देते हैं छोटा सा, क्योंकि आपने प्राइसेस ज्यादा बढ़ा करके नहीं रखी है, तो लोगों को लगता है कि भाई आपने आपने काम आप कम डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट्स का भी खेल अभी काफी चलता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मतलब यही सारी जो है चीजें सोचनी पड़ती हैं। डिस्काउंट्स के बारे में आई थिंक कि यहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है, पहले वैसा नहीं होता था। जब से ये ऑनलाइन का चलन स्टार्ट हुआ है तब से चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखी जाती हैं, फिर उसके ऊपर जो है डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जो प्राइस होता था उससे कुछ रुपए ही कम होकर के आपको सामान जो है मिल जाता था। ठीक है ना, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। इट इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर द सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के प्राइसेस वो चार्ज करता है फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कस्टमर्स और देयर विलिंगनेस टू पे। ठीक है, वो इस बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन बंदा हमें ज्यादा पे कर पाएगा। जो हमें ज्यादा पे कर पाएगा उसके लिए अलग प्राइसेस होती हैं, और जो कम पे कर पाएगा उसके लिए फिर अलग प्राइसेस होती हैं, जबकि प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल की ही बात करें, तो एप्पल का जो फोन है वो यूएस मार्केट में या किसी यूरोपियन कंट्री के मार्केट में, जो कि एक डेवलप्ड मार्केट है, वहां पे वो लोग हर एक तरह का प्राइस पे करने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया में वो चीजें जो है उतनी ज्यादा महंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बिकती हैं या फिर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे थोड़ा कम प्राइसिंग करके रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सके। सेम प्रोडक्ट है, अलग अलग मार्केट में उसका प्राइसेस जो है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना। सो द गोल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज टू कैप्चर एज मच कंज्यूमर सरप्लस, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे एज पॉसिबल। ठीक है, आप कितना देना चाहते हो और आप कितना दे रहे हो, जो डिफरेंस आएगा वही आपके लिए सरप्लस हो जाता है एक तरीके से। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लोगों को कैप्चर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वहां से कमाया जा सके। सबसे पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने स्टडी किया था पहले। इसमें क्या होता है कि जो आप प्राइसेस रखते हो वो थोड़ा ज्यादा रखते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट हो सके। अब प्राइस, ये जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये किसी लोअर मार्केट में पॉसिबल नहीं है, फिर किसी छोटी सी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये आपको ऐसे जगह करना पड़ेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग लेते हो, मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए वो लोग तैयार हो। ठीक है ना, सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट में जो है किया जाता है। सो इन दिस टाइप ईच कस्टमर इज चार्ज द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। तो इस तरह के मार्केट में प्राइसेस जो है मैक्सिमम चार्ज की जाती हैं जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना तक जो है उनसे चार्ज किया जाता है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेस। दिस रिक्वायर्स द सेलर टू हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच कस्टमर्स प्रेफरेंस। अब अगर आपको ऐसा प्राइसिंग डिसीजन करना है, प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है कि ये मुझे प्राइस रखना है, तो प्राइस तो आप ऐसे ही नहीं कर दोगे ना, इतना मेरा खर्चा पड़ा है, इतना मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, बस मैंने प्राइस रेडी कर दिया। जनरली लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार आपको अपने कंज्यूमर के हिसाब से भी सोचना होता है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी पॉश इलाके में जाकर के बिके तो डेफिनेटली वहां पे लोग आपको ज्यादा पे कर सकते हैं। कोई एक चीज जो कि नॉर्मल मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है, वही वही चीज अगर किसी आप बड़े सुपर मार्केट में चले जाओगे, सुपर मॉल में चले जाओगे उसको बेचने के लिए, तो देखना वही 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए 30 रुपए तक भी लोग खरीद लेंगे, लोग अफोर्ड कर लेंगे, है ना। तो लोग जितना ज्यादा पे कर सकते हैं आप उतना जो है उनका प्राइसेस वहां पे उस तरीके से प्राइसेस जो है आप रखते हो। वही बोला जा रहा है, मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, दिस रिक्वायर्स द सेलर टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड विलिंग टू पे विलिंगनेस टू पे
एयरलाइंस फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एयरलाइंस की बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। आप जब चेक करोगे ना ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा कि दुबई जाने का जो खर्चा है, दुबई में आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप दुबई जाने के बारे में जो खर्चा आपको एयरलाइंस के टिकट्स की पड़ेंगी, सेम खर्चा आपको दिल्ली जाने का पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से हो, पता नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मुझे जो प्राइस पे करना है तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए, वो सेम प्राइसेस में मैं कहीं और जा सकता हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा सकता हूँ। तो ये भी देखने तो को मिलता है कि जो एयरलाइंस की प्राइसेस हैं वो इसी एक्चुअली इसी तरीके से आ जाती हैं। देखो एयरलाइन वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास थोड़े पैसे हो, नॉर्मल आदमी तो एयरलाइन अफोर्ड नहीं करेगा, है ना, या जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जिस चीज के लिए वो 10 हज़ार पे कर रहा है वो चीज उसका 1,000-2,000 रुपए में हो जाएगा, तो वो 10 हज़ार क्यों पे करने जाए। तो जो लोग खर्च कर सकते हैं वही लोग एयरलाइंस में जाते हैं, और इसीलिए उसकी प्राइसेस जो है बढ़ा करके हमेशा रखी जाती है। 40-45 हज़ार रुपए तक का मैंने टिकट फेयर देखा है, विच इज रिडिकुलस, मतलब ऐसा कैसे लोग रख लेते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। सो एयरलाइंस फॉर एग्जाम्पल यूज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन व्हेन दे ऑफर डिफरेंट प्राइसेस फॉर सीट्स ऑन द सेम फ्लाइट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक बुकिंग टाइम, फ्रीक्वेंट फ्लेयर स्टेटस, है ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, आपका सब कुछ चेक किया जाएगा कि चलो आप कितनी बार ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा बार ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए देखना प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा होंगी। अब कई बार ऐसा होता है जैसे ट्रेन में हम लोग जब तत्काल टिकट कटवाते हैं तो वहां पे देखना आपको ज्यादा पे करना पड़ता है नॉर्मल टिकट्स के मुकाबले। तो एयरलाइंस में भी वही है, अगर आप 2-3 महीने पहले आपने टिकट कटवा लिया तो आपको काफी कम प्राइस पड़ेंगी, लेकिन अगर आप 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या कुछ दिन पहले अगर आप टिकट बुक कराएंगे तो उस केस में आपको भारी भरकम अमाउंट पे करना पड़ता है एयरलाइंस कंपनीज को। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो देखने को हम लोगों को मिलती हैं। तो वो लोग कौन से डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। अच्छा, इसको पर्सनलाइज प्राइसिंग भी बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो है आपको ऑफर्स दी जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, एन ऑनलाइन रिटेलर यूज पर्सनलाइज प्राइसिंग एल्गोरिदम टू ऑफर डिफरेंट डिस्काउंट टू डिफरेंट कस्टमर्स, है ना, यहाँ पे ऑनलाइन वाली ही बात हो रही है, एयरलाइंस वाली ही बात हो रही है एक तरीके से। कस्टमर ए हु ऑफन बाइज हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक, कोई कस्टमर है जो कि बहुत ही हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करता है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो कोई चीज 10 रुपए का भी है, कोई चीज 100 रुपए का भी है, तो आप हमेशा अगर 100 रुपए का सामान बाय कर रहे हो मतलब आप हाई एंड यूजर हो, आप हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि सेम चीज बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, तो आप ऐसी कंपनी का ले रहे हो जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली प्राइस ज्यादा होगा ही, तो आप ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा प्राइस आप पे कर रहे हो, उसको कहते हैं हाई एंड कस्टमर्स या फिर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हालांकि सामान की बात हो रही है। सो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर ए जो है वो बाय करता है, इज ऑफर्ड अ स्मॉलर डिस्काउंट, वहां पे जो डिस्काउंट है वो कम मिलेगा ऑन अ न्यू स्मार्टफोन बिकॉज द रिटेलर नोज दे आर विलिंग टू पे मोर, और क्योंकि कस्टमर को जो रिटेलर है उसको पता है कि उसको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं इसलिए वो पैसे भी ज्यादा ही डिमांड करता है, ठीक है ना, और जहां पे उसको कम मिलने होंगे वहां पे वो थोड़ा कम डिमांड करेगा। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मेनली हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस ऑफर कर रहे हो, मतलब सबको इन लोगों ने मुर्गी बना करके रखा है, जो ज्यादा जो जहां कट जाए, जो ज्यादा दे दे वहां से ज्यादा ले लो, जो कम दे दे वो कम ले लो, लेकिन लॉस में ये लोग कभी नहीं बेचते हैं, लॉस का बिजनेस ये लोग कभी नहीं करते हैं, प्रॉफिट इन लोगों का हमेशा ही रहता है। दूसरा है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट, अब ये एक तरीके से हो गया कि आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे उतना ज्यादा जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस टाइप द सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ द गुड्स और सर्विसेज परचेज। अगर मैं एक सामान खरीदूंगा, देखना आप अगर किसी सुपरमार्केट में जाओगे या जैसे रिलायंस ट्रेंड्स में चलेगा या किसी कपड़े वाले, मैं की बात कर रहा हूँ कपड़ा वाला कोई अगर मार्केट है, तो मैं नॉर्मल मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं सुपरमार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्लोथिंग स्टाइल्स वगैरह बिकी जाती हैं, बेची जाती हैं। आप वहां जब जाओगे ना तो देखना आपको बोलेगा कि एक आइटम लोगे तो आपको 80% का ऑफ मिलेगा, दो लोगे तो 30% का ऑफ मिलेगा, और तीन लोगे तो 60% का ऑफ मिलेगा। तो जितने ज्यादा आप लेते जाते हैं आपका डिस्काउंट जो है उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे है। सो इन दिस टाइप द सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ द गुड्स और सर्विसेज परचेज, द आइडिया इज टू एनकरेज कस्टमर्स टू बाय मोर, वो चाहते हैं कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीदें इसलिए वो लोग ऐसा ज्यादा करना करते हैं। लोगों को लगेगा ना कि भाई 60% ऑफ तीन लेने से तो चलो तीन ही ले लेते हैं, है ना। मैं अभी गया था कॉब, इटली का ब्रांड है कॉब एक, तो उसके मैं पैंट्स लेने के लिए गया था, तीन की प्राइसेस आई गेस 4,500 थी, तीन अगर मुझे पैंट्स लेने हैं फॉर्मल पैंट्स तो वो 4,500 की मुझे पड़ेंगी, पर अगर मैं एक लेता हूँ तो वो मुझे 2,500 के आसपास की पड़ेंगी,
डेफिनेटली आपको लगेगा ना कि भाई तीन ही ले लेते हैं, एक क्यों ले, एक काफी महंगा पड़ रहा है मुझे। वो चीज जो है ये लोग करते हैं ताकि कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा बाय करें, ठीक है ना। लार्जर क्वांटिटीज, हाँ, द आइडिया इज टू एनकरेज कस्टमर्स टू बाय मोर, ऑफरिंग लोअर यूनिट प्राइसेस फॉर लार्जर क्वांटिटीज। जब आप लार्जर क्वांटिटीज लेंगे, ज्यादा जब आप क्वांटिटीज लेंगे, तो जो आपका यूनिट है, जो लोअर यूनिट है, मतलब जो प्राइस है यूनिट का, यूनिट मतलब सामान की बात हो रही है, वो क्या होता है, वो घटता जाता है, ठीक है। एक 2500 का, तीन 4500 का, तो एक 2500 का था, जब मैंने तीन लिया तो वो 1500 का पड़ गया तीन, है ना। सो वो चीज है, दिस इज कॉमनली सीन इन बल्क डिस्काउंट और सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब ये जनरली बल्क डिस्काउंट में देखा जाता है और सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी देखा जाता है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, बहुत ही बड़ा बड़ा ऑर्डर्स वगैरह होता है इनका, है। तो एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर्स डिफरेंट प्राइस टायर्स फॉर इट्स सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। एक सॉफ्ट, आप देखना, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी कि अब जैसे कि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं आपको बताता हूँ, डिज्नी प्लस का, हॉटस्टार डिज्नी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने लिया था, पहले 3 महीने का मैंने लिया था, सो इट वॉज अराउंड 149 और समथिंग, ठीक है। फिर इनका एक ऑफर आता है कि आप साल भर का ले लीजिए, फिर साथ मैंने 6 महीने का किया था पर मुझे वो याद नहीं है। फिर ऑफर आता है कि आप साल भर का ले लीजिए, वो आपको जो है 899 नहीं और कम में पड़ेगा। 149 जो मैंने लिया था वो तो एक डिस्काउंट पे मिल ही गया, और 149 में सिर्फ मोबाइल पे चल रहा था या टैब पे चल रहा था, टीवी पे या लैपटॉप पे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया कि वो बड़ा वाला ले लिया, ऊपर से मुझे 100 रुपए का कूपन भी दिया। तो ये लोग ये चीजें इसलिए करते हैं ताकि आपको एक तरीके से आदत पकड़वा सके। आदत पकड़वाना इनका मेन एजेंडा है, मेन बात ये है। पहले तो वो लोग ये करेंगे कि आपको थोड़े, मतलब जो आप लेंगे, फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है, अब वो बोलेंगे उसमें अपग्रेड करने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे अपग्रेड करने के लिए, पे करने के लिए। और जब आपने एक बार अपग्रेड कर लिया, आपको सर्विसेज मिल गई, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर से आप उतना ही पे करने लगे। तो ये लॉन्ग टर्म में भी इस तरह का चीज जो है वो देखने को मिलता है कि कंपनीज जो है ऐसा करती है, ठीक है। कस्टमर्स हु ऑप्ट टू हु ऑप्ट फॉर एन एनुअल सब्सक्रिप्शन पे अ लोअर मंथली रेट कंपेयर टू दोज हु चूज अ मंथली सब्सक्रिप्शन। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको 900 रुपए का पड़ेगा, ठीक है ना। मैं टीवी वाले सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, मोबाइल वाला नहीं। तो 900 रुपए का अगर पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका तकरीबन 80 रुपए के आसपास पड़ा। पर वही चीज अगर आप हर महीने लेंगे, हर महीने अगर आप लेने जाएंगे, तो वही चीज आपको 1500 रुपए के आसपास का भी पड़ जाएगा। जो रुपए, जो चीजें मुझे 900 रुपए में मिल रही है साल भर का, वो चीज आपको 1500 रुपए का मिलेगा। तो आप क्या सोचोगे कि हर जिम में महीने भी मैं ऐसा ही क्यों, मैं, होता हाँ है, जिम में भी ऐसा ही होता है सर। हाँ तो वही, हाँ वही बात है, वही बात है कि आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा, पर अगर आप महीने में लेंगे तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो वो आपको इनकरेज करना है एक तरीके से कि आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और एक बार आपने ले लिया ना, उसके बाद देखना आपको लगेगा कि नहीं, ये तो ठीक ही है, फायदा ही हो रहा है मेरा, तो आप लेने ही लगेंगे, ठीक है। तो वो है। तीसरा है, नहीं ये खत्म नहीं हुआ था, दिस इनकरेज कस्टमर्स टू कमिट अ लॉन्ग, आप देख रहे हैं यहाँ पे वही बात बोली भी गई है, दिस इनकरेज कस्टमर्स टू कमिट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कंपनी। इसके कारण से जो है आपका एक कमिटमेंट हो जाता है कि नहीं, मैं कंपनी के साथ जो है लॉन्ग टर्म तक रहूंगा। आप सोचते भी, मतलब आपको पता नहीं चलता, पर आप रहने लगते हो, ठीक है। तीसरा है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो इन दिस टाइप, यहाँ पे कस्टमर को जो भी मिल जाए, कंपनी को जो भी मिल जाए, वो खुश है उससे। सो इन दिस टाइप द सेलर डिवाइड्स द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, अपने मार्केट को वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जो चीजें उसको मार्केट में दिखती हैं, उसके बेसिस पे वो उसको डिवाइड कर देता है, चाहे वो एज हो या उस लोकेशन के हिसाब से हो, या इनकम और कस्टमर टाइप के हिसाब से हो। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कोई चीज किसी गरीब मोहल्ले में जाकर के बेचो तो वो कम दाम में आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर वो सेम चीज अगर आप किसी पॉश इलाके में जाकर के बेचोगे, तो वहां पे आप अगर प्रीमियम प्राइस पे भी बेचोगे, 10 रुपए का सामान अगर आप 50 रुपए में भी बेच रहे हो, तो दो वो लोग लेना चाहेंगे, वो लोग ले लेंगे, क्योंकि वो लोग अब पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने अपने प्राइसेस को क्या किया है, लोगों के एज के अकॉर्डिंग, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, या कस्टमर के इनकम के अकॉर्डिंग, आपने उसको क्या कर दिया है, सेगमेंटाइज कर दिया है कि भाई यहाँ पे मैं इतने में बेचूंगा, वहां पे मैं उतने में बेचूंगा, ठीक है। पैन इंडिया सेम देखने को नहीं मिलता है। द सेलर, अब यहाँ पे देखो, ईच सेगमेंट इज द चार्ज अ डिफरेंट प्राइस, ठीक है। हर एक सेगमेंट में जो प्राइसेस होती हैं वो डिफरेंट चार्ज की जाती हैं। द सेलर डज नॉट हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब यहाँ पे लेकिन सेलर्स के पास कस्टमर्स के बारे में इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है, बट रिलायज ऑन डेमोग्राफिक और ग्रुप डेटा।
वो लोग रिलाई करते हैं डेमोग्राफिक डेटा के ऊपर। डेमोग्राफिक मतलब आपका एक एरिया की बात की जा रही है ना, उस एरिया में किस तरह का सेलिंग हो रहा है उसके बेसिस पे जो है वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए प्राइसेस, या फिर किसी ग्रुप डेटा के ऊपर ये लोग डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर्स का आइडिया उनके पास नहीं होता है थर्ड डिग्री प्राइसिंग में। एग्जाम्पल्स, मूवी थिएटर्स ऑफन प्राइस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाई ऑफरिंग डिस्काउंटेड टिकट्स टू सीनियर्स, स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। द थिएटर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर दीज ग्रुप्स नोइंग दैट दे हैव डिफरेंट प्राइस सेंसिटिव्स। अब इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं रिसेंटली गया था इंडियन म्यूजियम, तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए प्राइसेस अलग थी, नॉर्मल पीपल्स के लिए प्राइसेस अलग थी। ये जो डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पे इन लोगों ने करके रखा है, ये थर्ड डिग्री प्राइसेस में आ जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस ज्यादा हैं। अब इसका भी हालांकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। बच्चे किसी भी चीज को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर कम उम्र में स्टूडेंट्स को किसी जगह पे भेज रहे हो, कम प्राइसेस क्योंकि वहां पे पढ़ रही है, तो वो बड़े होकर के डेफिनेटली उस जगह में बार बार जाएगा जब उसको ज्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो इस तरीके का चीज जो है किया जाता है, कि और एक तरीके से एक गुडविल भी बनता है, सोशल गुडविल भी बनता है, कि चलो स्टूडेंट्स के लिए जो सीनियर्स हैं उनके लिए या चिल्ड्रंस के लिए जो प्राइसेस जो है वो कम है। लेकिन सबका सब बिजनेस का फंडा है और कुछ नहीं, सब बिजनेस करने का तरीका है। और स्टूडेंट्स जगह भी कम ऑक्यूपाई करते हैं, साथ में मिल करके रहते हैं, है ना। सो बहुत सारे तरह की चीजें जो है जो देखने को हम लोगों को मिलती है। ठीक है, यहाँ तो हालांकि थिएटर की बात हो रही थी, मैंने अलग एग्जाम्पल दे दिया, पर थिएटर में भी वही सारी चीजें हैं। हालांकि थिएटर में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को किसी तरह का डिस्काउंट मिल जाए, है ना। हालांकि मैं अभी रिसेंटली रेसो का सब्सक्रिप्शन ले रहा था, तो वहां पे था कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कम पे करना पड़ेगा। रेसो का आई थिंक आपने नाम सुना होगा, म्यूजिक ऐप है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक ऐप। तो म्यूजिक ऐप्स में जितने भी सारे हैं सबसे बेहतरीन मुझे तो रेसो ही लगता है। तो उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपको प्रूफ करना होगा कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग के पास आईडी कार्ड है इग्नू वाला, तो ले सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ठीक है ना, अब वो सिर्फ इसलिए है कि कस्टमर्स एक्वायर करें, और एक्वायर करने के बाद आपको वहां रहने पे आप मजबूर हो जाओगे। रेसो का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि आप जिस गाने को लाइक करोगे वो उसी तरह का गाना वो आपको प्ले करके देगा, वो अलग ही जी सर, सिस्टम है उसका। ठीक है, सो ये हो गया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर फर्म्स टू मैक्सिमाइज रिवेन्यू एंड प्रॉफिट बाय एक्सट्रैक्टिंग मोर वैल्यूज फ्रॉम कस्टमर्स विलिंग टू पे हायर प्राइसेस व्हाइल स्टिल अट्रैक्टिंग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, है ना। तो अलग अलग लोगों को वो लोग अलग अलग प्राइसेस पे कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और जो ज्यादा दे पाता है वो देता है, जो नहीं दे पाता है उनके लिए फिर अलग प्राइसेस होती हैं। ठीक है, हाउएवर इट मस्ट बी केयरफुली इंप्लीमेंटेड। हालांकि इसका इस्तेमाल जो है, इसका इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत ही केयरफुली होना चाहिए, टू अवॉइड एलियनेटिंग कस्टमर्स। एलियनेटिंग कस्टमर्स भाग जाएगा, या तो आपके ऊपर केस कर देगा, है ना। देखो यहाँ पे बोला भी, और फेसिंग लीगल चैलेंजेस, कि भाई आपने हमारे से इतना लिया और उनको उतना में दिया, है ना। अभी एप्पल का एक रिसेंटली एक न्यूज आया था कि एप्पल का जो फोन था, एक तो बिकता काफी महंगा है, लेकिन जब पूजा का टाइम आएगा, जैसे अभी फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो प्राइसेस जो है अचानक से गिर जाएंगी, बहुत ज्यादा गिर जाएंगी। तो अगर किसी ने मई के महीने में कोई फोन लिया है, और अक्टूबर के महीने में अगर कोई दूसरा फोन ले रहा है, मतलब कोई बंदा कोई एप्पल का ही फोन ले रहा है, तो उसको उसकी प्राइसेस कम पड़ेंगी। तो जो पहला कस्टमर था वो क्या करेगा, वो एप्पल को मेल कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि मुझे 6 महीने में आपकी प्राइसेस इतनी ज्यादा गिर गई। तो उस केस में एप्पल जो है वो पैसे वापस कर देता है। ठीक है, इसलिए देखना कई लोग वेट करते हैं कि ऑफर स्टार्ट होगा, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डेज, तो ही हम सामान कर। मैं भी वेट कर रहा था मैं दूसरों की क्या बात करूं। तो इस तरह से भी लीगल चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं कंपनीज को, कि आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, 6 महीने में ही आपने प्राइसेस इतनी ज्यादा घटा दी कि मेरा 15-20 हजार, 30 हजार रुपए का मेरा लॉस हो गया। तो उस चीज में कंपनीज को लीगल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। एज सम फॉर्म्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मे बी इलीगल इन सर्टेन ज्यूरिसडिक्शंस, है ना। तो कुछ 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 तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो इलीगल होता है किसी किसी खास ज्यूरिसडिक्शंस में, हर जगह तो नहीं, पर ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में भी आया था, हालांकि काफी सारे आया है, पर ये मुझे अच्छा अच्छे से याद है क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसको कर लीजिएगा थोड़ा। हाँ ठीक है, ये मैं पीडीएफ जी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ मैं अभी शेयर कर देता सर, हूँ, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, MCO 21, ट्वेंटी टू इम्पोर्टेंट और जितने भी ट्वेंटी क्वेश्चन फोर है ना, इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन जो भी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उसको ना अलग से पीडीएफ बनाकर मेरे को शेयर कर दीजिए।
पूरे अलग पिक्चर से कर देंगे। पीडीएफ तो नहीं, लेकिन पीडीएफ का नंबर आपको बता दूंगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन का जो नंबर है, अच्छा क्वेश्चन का तो नंबर मैंने यहाँ दिया नहीं है, मैं पेज नंबर बता दूंगा। ऐसे ओके तो मैं सर, जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हो सके आप कवर कर लीजिए। प्लस जो आप बोल रहे हैं कि वीवीआई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं मार्क करके मतलब पेज नंबर बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो है फिर उसको पहले कर लीजिएगा, फिर बाकी सबको बाद में कीजिएगा। फिलहाल तो आप लोग सारा पढ़िए, ठीक है? फिलहाल कोई लिमिटेशंस नहीं है। नवंबर के महीने में मैं आपको डिटेल मतलब डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा ज्यादा फोकस करना है। अभी सारा कीजिए, अभी बहुत टाइम है, जितना हो सके आप कवर करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है? ओके सर, ओके गाइस, सर देन अगला क्लास शाम में करते हैं, शाम में टाइमिंग 8 बजे, ठीक जी सर 8 बजे सही है। हाँ है ना? ओके किशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 8 बजे? हेलो किशन, मैं बोल रहा हूँ कभी भी कर सकते हैं, मैं मुझे पूरे दिन में क्लास होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक। मैं थोड़ा अभी एक्चुअली बाहर जाने वाला हूँ, तो शाम में ही करा पाऊंगा, तो शाम में 8 बजे का टाइम फाइनल करते हैं। थोड़ा 19-20 हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मैं पहले आ गया तो हो सकता है पहले आप लोग को अप्रोच कर लूँ, ठीक है? सो जैसा सर होगा आठ हम लोग बजे व्हाट्सएप पे चाहिए बात सर, करेंगे। क्योंकि उसके पहले सर एग्जैक्टली 8 बजे एग्जैक्टली ठीक एटक है। होता ओके, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, 8 बजे ही करते हैं फिर, लोग भी फ्री रेडी रहेंगे ठीक है ठीक है। ओके गाइस एक्सक्यूज मी देन, सर, हाँ कहिए। सर कह रहे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सर सिर्फ इनरोलमेंट नंबर से हो जाएगा ना कि और बिल्कुल फिर कुछ बिल्कुल वही देना है, करना आईडी कार्ड नहीं लगेगा आपका, बस एनरोलमेंट नंबर लेने से ही होगा। आप आईडी कार्ड बोल रहे थे, है? लेकिन आईडी कार्ड का जरूरत है बस एनरोलमेंट नंबर के लिए, उस पर जो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है वो आपको चूज करना है और सबमिट करना है। उसके पहले भी कुछ कुछ फिलअप करना होगा, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप अपना अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा। जो एस्ट्रिक मार्क रहेगा, रेड कलर से देखना एस्ट्रिक का साइन रहेगा, तो उसको तो पक्का भरना ही जी है, स्टार वाला साइन, वो आपको पक्का भरना ही है। जहां नहीं रहेगा उसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, ठीक है? सर, मैंने भर दिया फॉर्म, मैंने भर दिए, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, थर्टीएथ को भर दिया, कंप्लीट कर दिया सही है सही है। असाइनमेंट वगैरह भी सर। कर लीजिए, कहिए। असाइनमेंट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर, ट्यूजडे तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सही है सही है जी सही है। आकांक्षा कुछ कह रही हैं आप? सर, सर कह रहे थे सर जो मैंने असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज पे जो डिटेल्स भरा था सर, वो सारा सही है ना? वैसे ही भरना था ना? हाँ, डोंट वरी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ओके ठीक है, डोंट सर, वरी, मत सोचिए और, ठीक है देन। ओके सर, ओके गाइस, ठीक है ओके। फिर अब कॉलेज पे छोड़ व्हाट्सएप पे बात कर दीजिए। लेते हैं क्लास के बारे में, ठीक है देन, बाय टाटा। ओके या सर, बाय। चलो तो बात करते हैं।